हेलो प्यारे दोस्तों, पैसिव इनकम या फिर पैसिव अर्निंग पर वीडियोस मैंने पहले भी बनाई हैं, जो कि पर्सनल फाइनेंसिंग का ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि हम पैसिव इनकम कैसे बना सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पैसिव इनकम आखिर होती क्या है, तो इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है। उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन या फिर कमेंट बॉक्स में प्रिंट किया हुआ मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग जो भी काम करते हैं उसके लिए आपको इनकम तो मिलती ही है, लेकिन उसके साथ साथ पैसिव इनकम भी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि पैसिव इनकम से आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिल जाते हैं। और ऐसे में अगर आपको अपने काम से अर्जेंट ब्रेक लेना पड़ जाता है या फिर कोई छुट्टी लेना चाहते हो, तो ऐसे में पैसिव इनकम आप लोगों के बहुत काम आती है। एक बार आपको फिर से बता दूं, आपकी पैसिव इनकम वो इनकम होती है जो आप लोग बिना ज्यादा काम किए उसे कमाते हैं। आप ये भी कह सकते हैं आप घर पर आराम करते करते पैसे कमाते हैं, जैसे अपनी प्रॉपर्टी किसी को रेंट पर देकर आपको जो भी इनकम होती है उसे पैसिव इनकम कहते हैं। प्यारे दोस्तों, आप कई तरह के पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप अपनी जॉब या फिर काम के अलावा पैसिव इनकम भी करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आगे तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आज हम आपको ऐसे तरीकों को बताएंगे जिनसे आप आसानी से पैसिव इनकम निकाल सकते हैं। तो चलिए उन तरीकों को अच्छे से जान लेते हैं और आप उनको कैसे इस्तेमाल में ला सकते हैं वो भी अच्छे से सीख लेते हैं। सबसे पहला तरीका आता है प्रॉपर्टी या घर को रेंट पर देकर आप अच्छी खासी पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा, ये पैसिव इनकम बनाने का बहुत अच्छा तरीका है। दोस्तों, अगर आपके पास कुछ पैसे हो तो उनको रियल इस्टेट में भी लगा सकते हैं और उन पैसों से घर या प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं और बाद में उसे रेंट पर देकर बहुत अच्छी खासी इनकम भी कर सकते हैं। अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप उतना प्रॉपर्टी खरीद पाएँ, तो आप अपने घर के कुछ हिस्से भी रेंट पर देकर अच्छी खासी पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो खाली समय में उसे भी रेंट के फॉर्म में पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। और अगर आप लॉन्ग वेकेशन पर घूमने जाते हैं, तो उस समय आप अपने घर को भी रेंट पर लगा सकते हैं। इस तरह से आप घर और प्रॉपर्टी को रेंट में देकर पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये काफ़ी आसान तरीका है दोस्तों, जिनसे आपको ज़्यादा कुछ किए बिना ही काफ़ी अच्छे पैसे आसानी से मिल सकते हैं, और ये पैसिव इनकम करने का काफ़ी आसान और अच्छा तरीका है। और अगर हम पैसिव इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जहां हम मार्केट के ऊपर नीचे होने के डर को भूलकर आराम से पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जब आप लोगों के पास मार्केट को जानने का समय ना हो, तो आप लोगों के लिए इंडेक्स म्यूचुअल फंड काफ़ी आसान तरीका और बढ़िया तरीका बन सकता है, जिसमें आप सभी आराम से अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में इससे प्रॉफिट भी ले सकते हैं। ये काफ़ी सस्ते होते हैं और इन्वेस्टमेंट अपने आप में ही अलग अलग मार्केट ग्रोथ दिखाती रहती है, क्योंकि इसके लिए आपको अपने समय लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैनेज करने के लिए ऑलरेडी एक सिस्टम बना होता है। तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, यहाँ पर आपको थोड़ी जानकारी स्टॉक्स के बारे में भी देना चाहूँगा। लोग पूछते हैं कि आखिर हमें स्टॉक्स पर कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए और किस तरह से हमें स्टॉक्स को सेलेक्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, ये डिपेंड करता है आपकी प्रेफरेंस और खुद की एनालिसिस पर। हाँ, एक सीक्रेट यहाँ पर जरूर बताना चाहूँगा, जो स्टॉक टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करते हैं यानी जो टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होते हैं, उनमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन रहते हैं और कम टाइम में ज़्यादा रिटर्न भी यही स्टॉक्स देते हैं। चलिए अब आते हैं दूसरे पैसे इनकम की सोर्स में, इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आजकल स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करके पैसे इनकम को अच्छा खासा जरिया बनाया जा सकता है और इसमें इन्वेस्ट करना काफ़ी आसान होता है। अब तो ऑनलाइन ऐप्स भी आ चुकी हैं। फिलहाल मैं अब स्टॉक से शेयर्स में इन्वेस्ट करता हूँ और अपना पोर्टफोलियो इसी में बनाया हुआ है। जिन जिन लोगों ने अब स्टॉक्स में अकाउंट नहीं बनाया या किसी भी अकाउंट या शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए किसी भी ऐप में अपना अकाउंट नहीं बनाया, तो नीचे दिए गए लिंक से आप लोग अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आपको बेनिफिट ये मिलेगा, सबसे पहले तो आपको कुछ अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे, दूसरा आपको शेयर्स में भी काफी रिलैक्सेशन मिलेगा। तो नीचे दिए गए लिंक से आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और मैं इसके साथ साथ आपको अपना पोर्टफोलियो भी शेयर करूंगा, जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि मेरा अकाउंट भी अब स्टॉक्स में ही है। इस ऐप की हेल्प से आप घर बैठे ही पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर जैसे ही स्टॉक के प्राइस ऊपर चले जाएं, तो उन्हें बेचकर आप अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एक बात और, अगर आप किसी कंपनी के स्टॉक खरीदते हैं, तो आप उस कंपनी के हिस्सेदार हो जाते हैं और कंपनी को कोई भी बेनिफिट होता है तो उसका बेनिफिट आपको भी मिलता है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि स्टॉक मार्केट में रिस्क काफ़ी रहता है, क्योंकि शेयर के प्राइस कब ऊपर और नीचे हो जाएं इसका पता नहीं चल पाता। इसलिए दोस्तों, सोच समझकर ही ऐसी
ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना जरूरी है जहां पर लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट हो। ऐसी कंपनी ज़्यादातर ब्लू चिप कंपनीज होती हैं। अब ब्लू चिप कंपनीज क्या होती हैं इसको हम आने वाली वीडियोस में समझेंगे। शुरुआती समय में आप एक्सपर्ट्स की सलाह भी ले सकते हैं। शुरुआत में हम लोगों को कम पैसे में ही इन्वेस्ट करना चाहिए और जैसे जैसे इसको सीखते चले जाएं तो आप थोड़ा ज़्यादा पैसे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी पैसिव इनकम की जा सकती है, जो कि एक बहुत बढ़िया तरीका है। दोस्तों अब हम बढ़ रहे हैं तीसरे सबसे बेस्ट पैसिव इनकम के सोर्स की ओर, जो है सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से भी पैसिव इनकम की जा सकती है, लेकिन इसमें शुरुआत में काफ़ी मेहनत और समय लगाना होता है। डिजिटल प्रोडक्ट को तैयार करने में मेहनत और समय के साथ साथ आप लोगों का प्रोडक्ट ऐसा भी होना चाहिए कि प्रोडक्ट सबसे अलग हो और यूनिक हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पसंद भी आए। डिजिटल प्रोडक्ट्स में कुछ ऐसी यूज़फुल मीडिया फाइल्स और ई बुक्स होती हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पसंद भी आएँ और लोग उसे आसानी से डाउनलोड भी कर सकें, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिसे आप लाइव स्ट्रीमिंग से ज़्यादा लोगों को दिखा भी सकें, जिससे काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। ई बुक्स हो गया, ऑडियो बुक हो गया, वीडियो हो गई और काफ़ी सारे ऐसे डिजिटल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग PDF फाइल्स। और एक बार डिज़ाइन करने के बाद आप चाहे वो प्रोडक्ट आप जितने लोगों को बेच सकते हैं। इससे आपका प्रोडक्ट जितने लोग लेते हैं तो उससे आपको उतनी अच्छी खासी इनकम होती रहती है। तो प्यारे दोस्तों, ये भी एक पैसिव इनकम का काफ़ी बढ़िया और आसान तरीका माना जाता है। इसमें आप लोगों को सिर्फ शुरुआत में ही मेहनत करनी होती है और टाइम देना पड़ता है। और बाद में इसमें आपको इनकम मिलती ही जाएगी। तो हो गई ना पैसिव इनकम। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने चौथे पैसिव इनकम की ओर, जो है नेटवर्क मार्केटिंग। जी हाँ, आजकल के समय में नेटवर्क मार्केटिंग या फिर MLM, जिसे हम मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहते हैं, पैसिव इनकम का एक बहुत अच्छा जरिया बन चुका है और ये करना भी काफ़ी आसान है, जिसमें आपको थोड़ा ही समय लगाना होता है और शुरुआत में थोड़ा काम करके नेटवर्क फॉर्म करना होता है, जिससे आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं और आपके नीचे एक चेन बन जाए। इससे आपको अच्छी खासी इनकम जनरेट होती है। इसमें आपको हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती है किसी भी कंपनी के द्वारा और कंपनी से गाइडेंस भी दी जाती है कि आप लोगों को कैसे काम करना है, और इसमें नीचे जुड़े लोगों से भी इनकम मिलती है। इसके साथ ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचकर भी आपको एक अच्छी खासी इनकम मिल जाती है। इसके साथ कंपनी की तरफ से भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलता रहता है। तो इसमें आपकी एक नहीं बल्कि कई तरीके से इनकम होती है। इसमें ना सिर्फ आप उस कंपनी का प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि आसानी से उसको ऑनलाइन भी बेच सकते हैं, जिससे ऑनलाइन ऑर्डर करके वो प्रोडक्ट आपके घर पहुंच जाएंगे और आपको ज़्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। तो प्यारे दोस्तों, पैसिव इनकम करने का ये भी एक काफ़ी बढ़िया तरीका है। अब बढ़ते हैं पांचवें तरीके में, जो है बाय क्रिप्टो करेंसी। जी हाँ, पैसिव इनकम का ये भी काफ़ी बेहतरीन तरीका है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का रेट भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और आजकल तो मार्केट में काफ़ी सारी क्रिप्टो करेंसी अवेलेबल हैं, जिसको आप ऑनलाइन ट्रेड कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं एक टाइम में। मैं जिस ऐप को यूज़ करता हूँ वो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है। अगर आप नीचे दिए गए लिंक से अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपको कुछ बोनस अमाउंट भी मिलेगा, साथ में पहले ट्रेड में कुछ बेनिफिट भी मिलेगा। इस ऐप से आप अपनी पसंदीदा क्रिप्टो करेंसी को खरीद सकते हैं और रेट बढ़ते ही इसे बेच भी सकते हैं और साथ ही अपने पैसों को विड्रॉ भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी काफ़ी लॉसेस होने के चांसेस हैं। इसलिए पहले इसके बारे में अच्छे से सीख लें और शुरुआत में मिनिमम अमाउंट ही ट्रेड करें और शुरू में थोड़ा ही इन्वेस्ट करें। ये भी पैसिव इनकम का एक बहुत बढ़िया सोर्स बन सकता है आप लोगों के लिए। छठा सबसे बेस्ट तरीका है सेल प्रोडक्ट ऑनलाइन। जी हाँ दोस्तों, अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचना भी पैसिव इनकम का काफ़ी बेहतरीन तरीका है, जिसमें आप अपने बनाए गए प्रोडक्ट को अमेज़न या फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनियों में आसानी से बेच सकते हैं। आप कोई भी ऐसे प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेच सकते हैं जो आपको थोक रेट में काफ़ी कम कीमत में मिला हो और आप ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट में अपने मन पसंदीदा रेट में उसे बेच करके काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। इससे आपका प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा बिकता है और बहुत ज़्यादा मुनाफा भी होता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ खास तरीके जिससे पैसिव इनकम करके आप काफ़ी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि इस वीडियो में बताई गई बातों को आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। इसके साथ ही आप अपने एक्सपीरियंस और फीडबैक शेयर करना ना भूलें। ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे बताना ना भूलें और इसी तरह की बेस्ट फाइनेंशियल देखने के लिए जुड़े रहिए मनीग्रीन के साथ। और साथ ही ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को शेयर करना ना भूलें, जिससे उनकी भी फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ पाए और वो भी मनीग्रीन की फैमिली का पार्ट बन सके। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको बेस्ट से बेस्ट फाइनेंशियल वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। तो जुड़े रहिए मनीग्रीन के साथ और अपने डाउट्स या कोई भी टॉपिक हो तो नीचे पूछना ना बोले। बाय।